अरे मंच पे मालूम है आस कर लेंगे। हाँ भारत की तरफ से आस कर लेंगे। आस कर लेते समय हमें याद है कि अंग्रेज हमसे कहेगा अब दो शब्द बोलिए। हम दो शब्द बोलेंगे, जय हिंद। अरे इससे बड़ा दो शब्द और कौन है। दोस्तों बॉलीवुड जगत से एक बेहद ही दुख भरी खबर सामने आ रही है। पिछले 1.5 महीने से वेंटिलेटर पर पड़े कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है। राजू श्रीवास्तव के जाने से पूरी इंडस्ट्री समेत उनके घर वाले एक गहरे सदमे में आ गए हैं। आपको बता दें 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू को दिल का दौरा पड़ा था। दिल में कई ब्लॉकेज की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने राजू की एंजियोग्राफी करने का निर्णय लिया। हालांकि उनकी हालत में ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला। घर वालों समेत कई बड़े स्टार्स ने उनके ठीक होने की कामना की थी, लेकिन 1 महीने से जंग लड़ रहे राजू ने आज सबको अलविदा कर दिया है। बता दें कि लोगों के बीच गजोदर भैया के नाम से मशहूर थे राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो टी टाइम मनोरंजन से की थी। कॉमेडियन के क्षेत्र में मशहूर होने से पहले उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया था। हालांकि उन्हें पहचान मिली द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से। इस शो में उन्होंने यूपी का रंग दिखाया और लोगों को अपने पंच लाइन से हंसने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस शो में गजोदर भैया रनर अप रहे थे, लेकिन दर्शकों ने उन्हें द किंग ऑफ कॉमेडी का टाइटल दिया। हालांकि हालत खराब होने के बाद वह कई बार कोमा से बाहर आए थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, तभी तो आज सबको हंसाने वाला शख्स इस कदर सबको रोता छोड़ गया है। एनडीटीवी एंटरटेनमेंट की तरफ से राजू श्रीवास्तव को दिल से श्रद्धांजलि।